खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां जिले के विकास खंड सठियाव अंतर्गत गुजरपार से नैठी ग्राम के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 3,20,00,000 रुपए की लागत से 5 किलोमीटर तक हो रहे सड़क चौड़ीकरण में टेंडर के विपरीत हो रहे कार्य को लेकर आज सुबह ग्रामीणों ने निर्माण विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि आज हो रहे झमाझम बारिश में भी ग्रामीण प्रदर्शन करते रहे, धरना दे रहे लोगों ने कार्यदायी संस्था व ठेकेदार पर आरोप लगाया कि गुजरपार से ग्राम नैठी तक 5 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पास हुआ है, मगर नैठी ना बनाकर सिकंदरपुर गांव की तरफ बनाया जा रहा है। यह सड़क को सिकंदरपुर बनाने के लिए गांव कुछ प्रभावशाली लोगों के कहने पर जेई व ठेकेदार द्वारा निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर के गांव के लोगों ने सुबह कार्य को बंद करवा दिया और नैठी रोड बनाने की मांग को लेकर अड़ गए। मामले की नजाकत को देख ठेकेदार फरार हो गए। विभाग के जेई से फोन पर बातचीत हुई, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। और आगे ग्रामीणों ने बताया कि जब सड़क निर्माण शुरू हुआ था, हम लोगों को यह नहीं पता था कि सड़क गुजरपार से हमारे गांव तक पास हुआ है। कल रोड पर लगे विभाग की होर्डिंग से पता चला, तब तक इस सड़क को सिकंदरपुर की तरफ मोड़ दिया गया। आगे ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमारे गांव में निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा, तब तक हम सड़क का कार्य नहीं होने देंगे। जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि इसकी जांच कराकर निर्माण कार्य कराया जाए और जो दोषी हैं उक्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। वहीं विभाग ने अपने सफाई में बताया कि सड़क का सर्वे सिकंदरपुर गांव के लिए हुआ था, मगर नाम गलती से नैठी पड़ गया है। समस्या ये है कि गुजरपार जीएनपुर मुबारकपुर संपर्क मार्ग से गुजरपार से लेकर के नैठी तक ये रोड स्वीकृत हुआ था PMGSY से। इसको कुछ प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आकर के जेई और ठेकेदार की मिली भगत से ये रोड नैठी को न ले जा करके सिकंदरपुर को ले जाकर जोड़ा जा रहा है। हम लोगों की मांगे यही हैं, पूरे ग्राम सभा की मांगे यही हैं कि हमारे रोड को जोड़ा जाए। कुछ नहीं, कोई जेई साहब आए थे अपना गोल मोल करके अपना गए। ये धरना प्रदर्शन आपका कब से शुरू हुआ है? धरना प्रदर्शन तो हमारा कम से कम 1 हफ्ते से चल रहा है।